खरगोन शहर में कोरोना से बचाव के लिए लगातार लोगों में जन जागृति आए और लोग मास्क पहने और डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसी को लेकर पुलिस थाने में SDM अभिषेक गहलोत, SDOP ग्लेनविट डीकार, तहसीलदार खरगोन खतेरिया और थाना प्रभारी ने एक बैठक रखी और शहर भर में मास्क न पहनने वालों पर 10 टीम बनाकर चालानी कार्यवाही को अंजाम दिया। यह टीम शहर भर में विभिन्न मुख्य चौराहों पर चालानी कार्यवाही करेगी, जिसमें पुलिस के साथ ही नगरपालिका कर्मचारी भी मौजूद रहकर कार्यवाही कर सकेंगे। खरगोन संजय तिवारी की रिपोर्ट। सर, रोको टोको अभियान के अंतर्गत ये जो कार्रवाई हो रही है, किस तरह की कार्रवाई हो, कब तक चलेगी? देखिए, ये अभी देखने में आ रहा था कि पूरे जिले में, शहर में जो है, लोगों का मास्क पहनने की प्रवृत्तियाँ कम हो रही थी और अभी जिस तरह हम अगर देखें तो लॉकडाउन पूरी तरह खुला हुआ है, तो मास्क ही एकमात्र ऐसा रक्षा कवच है जो हमको कोरोना से बचा सकता है। तो कलेक्टर साहब और SP साहब के निर्देशन पर जो है शहर में हम लोगों ने 10 टीमें कुल बनाई है, जिसमें पुलिस विभाग से, राजस्व विभाग से और नगर पालिका से, इस तरह से हर टीम में जो है 3 सदस्य हैं और शहर के अलग अलग 10 स्थानों पर और कुछ मोबाइल पार्टी के रूप में ये टीम लगाई है, जो लगातार इस बात का वॉच करेगी कि कोई भी व्यक्ति जो है गाड़ी से, पैदल या कैसे भी जाता है तो बिना मास्क के ना जाए, और जो भी अगर इस तरह से मिलता है तो उसको 2 रुपये का जो है चालान काटा जाएगा। एक बात ये आपने कही कि सामने वाला व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मान के चली है, इसको लेकर क्या कहना? देखिए, मेरा सबसे यही कहना है, खासकर हमारी टीम से भी यही कहना है कि अब ये मान के चलना पड़ेगा कि आपको छोड़कर, आपके परिवार को छोड़कर बाकी जितने लोग हैं सभी कोरोना पॉजिटिव। अगर इस बात को हम ध्यान में रख के चलेंगे तो हम प्रॉपर अपने आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग कर लेंगे। तो ये अगर हम लोग लगातार प्रचार करेंगे और खुद के जहन में ये रखेंगे तो अपने आप सारी चीज़ों का समाधान हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।